गढ़वा दृष्टि से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आस्था के पर्व छठ को लेकर रमना प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में उत्साह चरम पर रहा। छठ व्रतियों ने गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व छठ सम्पन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए मड़वनिया के लौंगा नदी और रमना पंचायत सचिवालय के समीप गंगा तालाब छठ घाटों पर अहले सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लौंगा नदी, गंगा तालाब छठ घाट, चिरुआ जलाशय और तेलियाहवा घाट पर रात में भी भर्ती रुके रहे। वहीं जिरवा छठ घाट पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने भक्ति जागरण का फीता काट कर उद्घाटन किया। इससे पहले बुधवार को आस्था चलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। छठवर्ती और उनके स्वजनों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। बुधवार को सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद सभी छठवर्ती घाट पर ही रात बिताई। घाट छठ मैया के गीतों से गूंजता रहा। लौंगा नदी छठ घाट आयोजन समिति के अजीत कुमार सोनी, सत्येंद्र कुमार सिंह, संजय प्रसाद गुप्ता, अमित सोनी, गुड्डू मेहता, गंगा तालाब छठ घाट आयोजन समिति के संरक्षक महेंद्र प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष सुदर्शन बिहार, सचिव वीरेंद्र प्रजापति, जिरवा छठ घाट आयोजन समिति के अमरेंद्र कुमार प्रजापति, उज्ज्वल कुमार सिंह, श्यामलाल पासवान, संजय खारवार सहित सभी सदस्यों ने आयोजन में सहयोग के लिए सभी का आभार जताया है। इसके साथ ही प्रखंड के बहियार कला, बहियार खुर्द, टंडवा, कर्णपुरा, मड़वनिया, सीलीदाग, गमहरिया, बुलका और हरादाग कला पंचायत के विभिन्न गांवों में छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।